अगर आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हाय गाइस, वेलकम टू अब्बास मोबाइल ऑफिशियल। गाइस, मेरे पास एक जियो का F10Q का सेट है, इसमें चार्जिंग प्रॉब्लम का दिक्कत है। ये आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, इसमें चार्जिंग तो हो रहा है लेकिन इसमें चार्जिंग दिख तो रहा है होते हुए, लेकिन ये होता नहीं है। गाइस, तो इसमें प्रॉब्लम यह कि ये इसको कहा जाता है फेक चार्जिंग, तो इसमें फेक चार्जिंग का प्रॉब्लम है। और इस फेक चार्जिंग के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है वह मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो गाइस, आप वीडियो को पूरी देखिएगा, और गाइस अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। चलिए हम इसको ओपन कर लेते हैं सेट को, और क्या दिक्कत है हम वो आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। ये आप देख रहे होंगे F10Q है, तो यहाँ पर ये गाइस ये चार्जिंग पिन जो है यहाँ पर इसका हमें फॉल्ट लग रहा है। लेकिन अगर इसका भी फॉल्ट है, अगर कोई और भी दिक्कत है, तो वो मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। चलिए हम पहले इसको यहाँ से रिमूव कर लेते हैं, हम चार्जिंग पिन को यहाँ से पहले रिमूव कर लेंगे। अगर रिमूव करने के बाद गाइस दूसरा जब सेट करेंगे, फिर अगर वही प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसके लिए हमें कहाँ से कहाँ जम्पर करना है वो मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ कि आपको कहाँ से कहाँ पर जम्पर करना है। दोस्तों, अगर साकेट चार्जिंग साकेट बदलने के बाद भी वही सेम प्रॉब्लम आ रही है, तो हमको ये यहाँ से यहाँ पर जम्पर करके पहले स्टेप में देखना है। और दूसरे दोस्तों, हमको यहीं प्लस पॉइंट से लेकर यहाँ पर जम्पर करके देखना है, अगर साकेट बदलने के बाद वही सेम प्रॉब्लम आ रही है तो। और तीसरा नंबर, हमको यहाँ से यहाँ पर जम्पर देना होगा अगर वही सेम प्रॉब्लम आ रही है। तो उम्मीद है गाइस कि हमारा प्रॉब्लम जो है कि वो सॉल्व हो जाएगा। चलिए, मैं यहाँ पर चार्जिंग साकेट निकाल के मैं अपना चेक कर ले रहा हूँ इसमें दिक्कत क्या है। यहाँ पर गाइस मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर प्रिंट उखड़ी हुई है, मैं वो आपको दिखा दे रहा हूँ कि ये देख रहे हैं आप, मैं थोड़ा ऊपर करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर देख रहे होंगे इसमें दो प्रिंट उखड़ी हुई है, इसका भी इशू हो सकता है, पर हम यहाँ पर गाइस दूसरी सॉकेट लगाकर चेक करेंगे। अगर नहीं हो रहा है सही, तो मैंने जो अभी पहले शुरुआत में जो हमने लोकेशन दिया था जहाँ से जहाँ पर जम्पर करने के लिए, तो हम ऐसा ट्रिक अपनाएंगे जिसके वजह से ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो गाइस, पहले हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं दूसरी सॉकेट लगाकर, चार्जिंग सॉकेट को बदल कर दूसरे लगा कर चेक कर लेते हैं। देखिए, डिनाई वाले में नो परमिशन डिनाई दिखा रहा है, नीचे देखिए नो व्हाट्सएप खोलिए एक बार, दिखा रहा है नो परमिशन डिनाइड, मतलब सारे अलाउ हैं। ये देखिए गाइस, अगर ये भी शॉर्ट होता है,
तो इससे भी इशू होता है, ये फेक चार्जिंग होता है। तो यहाँ पर ये भी सही है, एक तरफ से ये सिग्नल देगा एक तरफ से नहीं देगा, तो ये भी परफेक्ट है। चल रहे हैं यहाँ पर चार्जिंग सॉकेट को सोल्ड कर दे रहे हैं गाइस। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगे गाइस तो वीडियो को लाइक कर दें और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी कर दें। चलिए मैं यहाँ पर सोल्ड कर दे रहा हूँ। ये हमने सोल्ड कर दिया है। अच्छे से इसको हम सोल्ड कर दे रहे हैं। ये हमने अच्छे से यहाँ पर इसके पीछे से भी सोल्डिंग अच्छे से कर दी है। ये थोड़ा इसके पीछे से भी अच्छे से कर देना है हमको, पेस्ट लगाकर। तो अब मैं यहाँ पर चलिए इसको अब चेक करके हम देखते हैं कि जो बैटरी को चार्ज करने के लिए सप्लाई चाहिए, जो वोल्टेज है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर वोल्टेज गाइस 3.70 से ऊपर वोल्टेज आना चाहिए बैटरी को चार्ज करने के लिए। 4.7 तक, 4.7 से ऊपर होगा तभी ये हमारी बैटरी को नुकसान पहुँचा सकता है, और अगर कम होगा तो वो चार्ज नहीं होगा। ये देख रहे हैं गाइस यहाँ पर 4.19 आ रहा है, यहाँ पर चार्जिंग करने के लिए परफेक्ट है। तो गाइस हमें ये लग रहा है कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अगर आपका भी ऐसा कोई प्रॉब्लम वाला सेट आए तो आप भी इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं गाइस। अगर ऐसा चार्जिंग सॉकेट बदलने पर प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रहा है तो जैसा मैंने पहले वीडियो के शुरुआत में जो जंपर करके बताया वैसे आपको कर देना है। तो गाइस ये जानकारी कैसे लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।